बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है चिकन मिनी बंस की, जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और इन्हें बनाना बहुत आसान है। एक किलो चिकन ले लिया है मैंने बोनलेस, और 2 कप चने की दाल, 4 से 5 ली है मैंने छोटी हरी मिर्चें, नमक हसब जायका या 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 खाने के चम्मच धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट, 10 से 12 ली है मैंने साबुत गोल मिर्चें और 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। अब दाल को मैंने सिर्फ वॉश किया है और इसे मैंने डाल दिया है प्रेशर कुकर में, और साथ इसमें डाल देंगे 1 kg चिकन बोनलेस। आप यहाँ चाहें तो चिकन हड्डियों समेत भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर चिकन की हड्डियाँ निकालना मुश्किल होता है, तो बोनलेस सही रहता है। और तमाम स्पाइसेस जो मैंने आपको मेंशन की हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। ये बर्गर बहुत ही टेस्टी बनते हैं। वीडियो में आपको मैं बहुत ही VIP ज़बरदस्त सी चटनी भी सिखाऊंगी, जो कि बाहर लोग बर्गर वगैरह में यूज़ करते हैं। 2 ग्लास पानी डाल दिया है और 10 से 12 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से प्रेशर लगा लेंगे कि चने की दाल और चिकन अच्छी तरह से गल जाए। 1 कप इमली का पल्प लिया है, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच कुटी मिर्च, नमक हसब जायका या 1/2 टीस्पून, 1/2 कप धनिया पुदीना, 1 बड़ी मिर्च, 4 से 5 लहसुन के क्लव्स ली हैं, 2 खाने के चम्मच मेयोनीज और 1/2 कप के करीब लिया है दही। अब देखें, दाल और चिकन बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं, और इसका पानी जो है वो सुखा देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। चटनी के लिए मैं तमाम चीज़ें मैंने आपको मेंशन की हैं वो मैंने चॉपर में डाल दी हैं, और अब इसे बहुत अच्छी तरह से तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से बारीक पीस लेंगे। ये चटनी वाकई बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और इससे बर्गर का टेस्ट ज़बरदस्त आता है। अब इसे अच्छी तरह पीस लेंगे। ये देखिए, चटनी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई, इसे साइड पे कर देंगे। अब चॉपर में डाल दिया है चिकन और दाल जो हमने बना के रखी है, थोड़ा पुदीना डाला है, और 1 चाय का चम्मच मैंने डाल दिया है इसमें गरम मसाला पिसा हुआ, और अच्छी तरह से इसे पीसना है। ये देखें, अच्छी तरह से चिकन दाल वगैरह पिस गई हैं। अब इसकी जितनी हमें चिकन की पैटी बनानी है उतना ही हमने इसका बैटर लेना है और इस तरह से कबाब का शेप देना है। मिनी बंस हैं तो आपने इसकी पैटी जो है वो बहुत बड़ी नहीं बनानी। इस तरह तवा रेडी कर लेंगे। अब तवा मैंने गरम करने रख दिया है, और इसमें जो है अंडा मैंने पहले फेंट लिया था, अंडे में जो है इस कबाब की पैटी को जो है फोल्ड करके जो है फ्राई कर लेंगे। और इसे अच्छी तरह कलर लाने तक पकाएंगे। देखिए, हमारे ये बर्गर पैटीज बिल्कुल रेडी हो गई हैं, इन्हें निकाल लेंगे। अब देखिए, इस तरह से मिनी बंस मार्केट में मिल जाते हैं, तो मैंने मिनी बंस ले लिए हैं। इस तरह होते हैं ये, इन्हें अलग करना पड़ता है। और चटनी जो रेडी करके रखी है, चटनी भी है, और यहाँ पर मैं चिली काली सॉस भी यूज़ करूँगी, मेयोनीज भी यूज़ करूँगी, और आप चाहें तो केचप भी यूज़ कर सकते हैं, और सैलड भी यूज़ करेंगे थोड़ा सा। अब सबसे पहले मिनी बंस को तवे पर अच्छी तरह से सेक लेंगे, जिस तरह बाहर जब बर्गर या बंस ख़रीदते हैं वो उस तरह सेकते हैं, अच्छी तरह से हल्का सा ऑयल लगा कर इसे तवे पर सेक लेंगे कि ये अच्छे तरह थोड़ा ब्राउन हो जाए, क्रिस्पी हो जाए। बहुत ऑयल इसमें नहीं लगाना, हल्का सा बस इसे ऑयल दिखाना है आपने, वरना ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे। इसके बाद जो चटनी हमने बना के रखी है वो इस पर अप्लाई करेंगे, सबसे पहले मिनी बंस पर, और फिर इस तरह से चिकन जो हमने पैटी बना के रखी है वो भी इस तरह से इसको फैलाएंगे, थोड़ा इसको तोड़ देंगे, और फिर इस पर आप ज़रूर चटनी लगाइएगा। चटनी लगाने से थोड़ा स्पाइसी मज़ेदार से बन जाएंगे। और इसके बाद इसमें केचप मेयोनीज़ डाल दिया थोड़ा थोड़ा मैंने, और इसमें आप सैलड लगा देंगे, तो मैंने थोड़े से खीरे और थोड़े प्याज रखे हैं ताकि ये बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से इसका टेस्ट आए। बंस रोड वगैरह में इस तरह के मिनी बंस और बर्गर्स मिलते हैं, जो इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही होता है, बहुत ही लाजवाब बनने वाले हैं ये। जब आप इसे घर पर बनाएंगे तो वाकई आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि घर पर मयारी चीज़ बनती है, साफ सुथरे तरीके से बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। मिनी बंस को थोड़ा हम सेक लेंगे ताकि बिल्कुल स्ट्रीट फूड स्टाइल इसका स्टाइल आ जाए, टेस्ट आ जाए।
हल्का सा सेक लेंगे, थोड़ा क्रिस्पी हो जाए ताकि ये लीजिए। बहुत ही मज़ेदार चिकन मिनी बंस रेडी हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।